तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों ने नवो करके दिखा दिया गाइस, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों से मैंने आज सुबह जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेक्निकल एक्सपर्ट भैया सी को यह वीडियो पहुँचा देना। दोस्तों आज सुबह वाला वीडियो आप लोगों ने उनके पास पहुँचा दिया और आप लोगों ने उनके वीडियो पर कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चलिए दोस्तों आज के दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं एक बार फिर से न्यू कमाल का ओल्ड हिंदी डीजे स्टेटस का ट्यूटोरियल के साथ का इस न्यू फेड के साथ आप लोगों के लिए वीडियो एडिट का ट्यूटोरियल। दोस्तों वीडियो में एंड तक बनेगा, दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों आपको हम दिखाते हैं प्रीव्यू। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह और वीडियो सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों आज की प्रीव्यू स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। एक बार फिर से न्यू कमाल का ओल्ड हिंदी डीजे स्टेटस का ट्यूटोरियल ले करके जो दोस्तों आपने प्रीमियम देखा था, दोस्तों आप भी अपनी फोटो को लगा करके बना सकते हैं इस तरह का कमाल का डीजे स्टेटस। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आप सबसे पहले इस टाइप का शूट बनाने के लिए एक एप्लीकेशन पढ़ने वाले दोस्तों जिसका नाम है लाइटमोशन, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आपको इसका मोड चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीने वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। दोस्तों इसमें जो फोटो वगैरह यूज होने वाला है सब आपको वहीं पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सॉम्बिट मार्क एंड सर्टिफाइड नाम का लिंक मिलेगा। तो गाइस इसको आपको इंपोर्ट करना, अपने लाइटमोशन जब इंपोर्ट कर लेंगे तो आपके सामने गाइस प्लस के बगल में आपको इस टाइप का दिखेगा। तो इसको प्लस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना गाइस और इसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा सॉम्बिट मार्क, इसको आपको ओपन करना गाइस। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना के रखा है, तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पर फोटो ऐड करना, तो फोटो ऐड करने के बाद इस पर इफेक्ट कैसे कैसे लगाना वो आपको हम बताएंगे गाइस। तो वीडियो में एंड तक शुरू बने रहना और वीडियो को लगा इस लाइक कर देना और इस तरह का और वीडियो सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और प्रेस कर लेना। दोस्तों सबसे पहले आपको प्लस पर क्लिक करना और मीडिया दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आप जब नाम पे नहीं क्लिक करेंगे तो आपकी गली का सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो आप जहाँ फोटो रखे रहेंगे आप सबसे पहले वहाँ पर क्लिक कर देना है और इसे आपको जिस तरह से फोटो पे क्लिक करना है और थ्रेड पे क्लिक करके फिर इसमें पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है और सोरो पे क्लिक करके बचे हुए भाग को इस तरह से कट कर देना गाइस। तो बीट के हिसाब से आपको फोटो को ऐड करना है, मैं फटाफट फोटो को ऐड कर लेता हूँ गाइस। तो बीट के हिसाब से हमने फोटो को ऐड कर दिया गाइस। इस पर आपको इफेक्ट कैसे कैसे लगाना और ये वाला जो वीडियो है जो हमारा इफेक्ट न्यू वाला था वो कैसे लगाना है तो आप वीडियो में कंटिन्यू गाइस बने रहिएगा। सबसे पहले गाइस नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा एक नंबर, ठीक है। सबसे पहले आपको बैक करना है और यहाँ पर आपको न्यू स्टाइल सेकंड फेड बनाना गाइस। यहाँ पर गाइस आपको 1, 2, 3, 4, 5 इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जो हमारा ये वाला इफेक्ट है ये वाला हमारा कैसे लगेगा वो आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कंटिन्यू जाने वो जरूर बने रहना। सबसे पहला जो हमारा इफेक्ट आपको इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको बैक लेना है और यहाँ पर आपको सॉम्बिट मार्क पहना है। यहाँ पर आने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको दिया जाएगा एक नंबर, ठीक है। इसके ऊपर जो फोटो दिख रहा है आपको इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक कर पेस्ट कर देना है। फिर पर क्लिक करके आपको आगे आना, जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा दो नंबर, ठीक है। इसके ऊपर गए जितने फोटो होंगे सभी पर आपको फोटो पे ऐड जो है उस पर लगा देना है, ठीक है। इस फोटो पे क्लिक करेंगे और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे आप सभी आपको जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा दो नंबर, ठीक है। आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करके जो इफेक्ट आप ऐड करेंगे इसको इस तरह से डिलीट कर देना है, ठीक है। इसको करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया दो नंबर, तो सबसे पहले बैक लेना है और यहाँ पर आपको न्यू स्टाइल सेकंड इफेक्ट बनाना है। यहाँ पर आपको दीजिए दीजिएगा दो नंबर वाला इफेक्ट, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक कॉपी इफेक्ट करना है और यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको सॉम्बिट मार्क में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको एरो पे क्लिक करना है, जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा गाइस दो नंबर। इसके ऊपर जो फोटो दिख रहा है फोटो पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। फिर एरो पर क्लिक करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको दिया जाएगा तीन नंबर, ठीक है। सबसे पहले आपको बैक लेना है और यहाँ पर आपको न्यू स्टाइल सेकंड इफेक्ट पहना है और यहाँ पर गाइस आपको दिया जाएगा तीसरा इफेक्ट, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद गाइस आपको बैक करना है, अपने सॉम्बिट मार्क पहना है और यहाँ पर आने के बाद आपको एरो पे क्लिक करके आपको आ गया ना गाइस। यहाँ पर नीचे आ पाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तीन नंबर लाइफ है, ठीक है। तो इसके आपको ऊपर आना है, जो फोटो पर क्लिक करेंगे इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, इससे हमारा हो जाएगा। फिर आपको एरो पे क्लिक करके आपको नीचे आना और यहाँ पर आपको दिया जाएगा एक नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो हमारा गाइस एक नंबर वाला इफेक्ट ये, तो आपको यहाँ पर ला करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ये हो जाएगा।
उसके बाद गाइस हमारा मेन है चार नंबर वाला इफेक्ट। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बैक करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेग इफेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 जो चौथा वाला इफेक्ट आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, थर्ड पे क्लिक कर कॉपी इफेक्ट करना है। यहाँ पर करने के बाद आप सबसे पहले आपको सॉम्बिट मार्क बनाना है और यहाँ पर आ गाइस आने के बाद आपको एरो पे क्लिक करके इस तरह से आगे आना है, ठीक है। और आगे आने के बाद जो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है गाइस चार नंबर, ठीक है। इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही फील लगा, लेकिन कैसे लगेगा सबसे पहले गाइस आपको इधर आना है, इस फोटो पर क्लिक करना है और मूवमेंट ऐप जाना है और आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको इस तरह से छोटा कर देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपको छोटा करना है और बैक कर लेना और भी इफेक्ट पे जाना है, थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ऐसे वाला हमारा इफेक्ट तैयार हो चुका है जो कि हमारा बहुत ही कमाल है गाइस। तो ऐसे ही आपको यहाँ तक जहाँ तक हमारा मार्क है, ठीक है, जहाँ तक हमारा ये वाला मार्क है, ठीक है, यहाँ तक जो हमारा मार्क है चार नंबर वाला इफेक्ट, तो यहाँ तक हमारा 22 तरह तक है। तो यहाँ पर आपका सारा इफेक्ट यहाँ तक ऐड होगा, ठीक है। सबसे पहले गाइस मैं आपको कुछ करके दिखा देता हूँ, आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर दिख जाता है गाइस जो नेक्स्ट फोटो हमारा ये है, तो मूवमेंट टच फोटो जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, इसको इस तरह से छोटा कर देना है आपको। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आना है, जो आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पर जो दिख रहा है इलेक्ट्रो टेस्ट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप क्लिक करके इसका कलर जो है जो अपने मन अनुसार रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं गाइस यहीं पर रख देता हूँ यही, ठीक है, जो कि हमारा बैकग्राउंड के हिसाब से तो बहुत ही मस्त लग रहा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं फोटो आपको इस पर क्लिक करना है, मूवमेंट ट्रांसफर जाना और यहाँ से आपको इसको छोटा कर देना है, ठीक है। छोटा करने के बाद आपको मूवमेंट ट्रांसफर जाए, इफेक्ट पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर देना है। बस यहाँ से आपको दिख जाएगा जितने भी आपका है, ठीक है, जितना भी आपका है, तो यहाँ तक आपको सभी आपको करना है। मैं लास्ट वाला भी करके आपको दिखा देता हूँ, जो लास्ट वाला हमारा है, हमारा गाइस लास्ट वाला जो है हमारा 22 पर है, ठीक है। तो गाइस हम लास्ट वाला भी यहाँ पर करके दिखा देते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, मूवमेंट नस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करके इसको छोटा हम कर लेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर आपको क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके इसे पेस्ट कर देना गाइस, सभी फोटो पर होगा, ध्यान रखिएगा। फिर पर क्लिक करके आपको आ गए ना गाइस, इस फोटो को हम डिलीट कर दें क्योंकि बीट के हिसाब से नहीं है, इस पर हम इसको बीट के हिसाब से मिलाते हैं और बच्चे भाग को इस कट कर देते हैं, हमारा हो जाएगा। फिर आप गाइस नीचे आना, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दी जाएगा दो नंबर इफेक्ट, आपको स्टार्टिंग पोजिशन पर आना है और यहाँ पर आपको दी जाएगा दो नंबर, ठीक है। इसके ऊपर जो फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे हम, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक कॉपी इफेक्ट करेंगे, गाइस आपको आगे आना है और आगे आने के बाद आपको आगे आना है फिर आपको आगे आने के बाद यहाँ दिख रहा है आपको दो नंबर, ठीक है। इसके ऊपर जो दिख रहा है फोटो, आपको क्या करना है, इस फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है, एंड गाइस एरो पे क्लिक करके आपको बीट के हिसाब से इसको मिला लेना है, ठीक है। एंड बचे भाग को इस तरह से कट कर देना है, नेक्स्ट जो फोटो इस को भी इस तरह से मिला देना है। वैसे यहाँ पर आपको ये वाला जी इफेक्ट लगाना है, आपको इसी को स्टैंप लगा देना है, ये हमारा हो जाएगा। फिर पे क्लिक करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको दी जाएगा एक नंबर, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग पे सब जो आपको लगा है एक नंबर वाला इफेक्ट आपका यही लगेगा। तो इसके ऊपर जो फोटो दिख रहा है इस फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक कॉपी फिट कर लेंगे, एंड गाइस आपको आगे आना है और आगे आने के बाद आपको गाइस जहाँ पर एक नंबर वाला दिख रहा है ना आपको वहीं पर एक नंबर लगाना है। इसके ऊपर जो फोटो दिख रहा है आपको क्या करना है, इस फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है, एरो पे क्लिक करके आपको नीचे आना, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा पाँच नंबर इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको बैक लेना अपने इंस्टा से कि फिर गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको जो दिख जाएगा पाँच नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पे क्लिक कॉपी इफेक्ट करना है और आपको बैक लेना है और अपने सॉम्बिट मार्क बनाएगा। इस यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके आगे आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद अगर एरो पे क्लिक करके आपको नीचे आना और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाँच नंबर, इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट लगेगा। तो ऐसे यहाँ पर हम आते हैं और जो फोटो दिख रहा है आपको इस फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर लेना है, ये इफेक्ट गाइस हमारा सारा फोटो पर लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट लगेगा। तो लास्ट फोटो पर क्लिक करते हैं, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो स्टेटस है वो कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। तो इस स्टेटस को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेटिंग के बगल में जो बॉक्स है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर देना है। वैसे आपका मात्र 2 से 3 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो हो सकता है आपके डिवाइस के ऊपर 10 मिनट भी लग सकता है दोस्तों। तो आज के वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और प्यारे से और नए टॉपिक के साथ। तब तक ले गाइस जय हिंद जय भारत।